Explore India with Folk Tales. यहाँ के राजा है लोकनाथ. Lokanath's problem was that he could not tolerate anybody criticizing him or anybody not agreeing with him. King के डर से बेचारे courtiers हमेशा वही कहते हैं जो राजा को सुनना अच्छा लगेगा. Basically उनको सारे yes men चाहिए थे और हमेशा ये चाहिए था कि उनके सारे courtiers उनको praise करते रहे. वाह वाह वाह, आपकी पॉलिसी कितनी अच्छी है, आपने कितना अच्छा डिसीजन लिया, वाह वाह, आपके सारे प्लान कितने अच्छे होते हैं. क्वीन जो थी उनकी मोई, उसको हमेशा लगता था कि दिस वाज नॉट अ करेक्ट थिंग टू डू, बिकॉज शी फेल्ट कि जब तक लोग अपना जेन्युइन ओपिनियन नहीं देंगे तब तक सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा. सो शी टेल्स टू द किंग, आपके डर की वजह से आपके जो दरबारी है वो कभी भी आपके सामने अपनी सच्ची बात नहीं रख सकते. तो लोकनाथ सेज व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुझसे नहीं डरता. अगर वो लोग मेरी हाँ में हाँ कर रहे हैं तो बिकॉज दे जेन्युइनली फील लाइक दैट, मेरा किसी को कोई डर है ही नहीं. लेकिन मोई को पता है कि ऐसा नहीं है. अब एक बार ये हुआ कि मोई वॉज पासिंग डाउन एंड शी हर्ड लोकनाथ स्क्रीमिंग शाउटिंग, हाउ डेयर यू. वो वहां नजदीक गई तो देखा कि किंग जो है अपने एक सोल्जर दोरजी पे बहुत गुस्सा थे. क्यों? ये राजा अपने कुछ सोल्जर्स के साथ आर्चरी कंपटीशन कर रहे हैं. सारे सोल्जर्स हमेशा ध्यान रखते थे कि आर्चरी कंपटीशन में हमेशा राजा ही जीते और कोई ना जीते, पर इस बार दोरजी से गलती से अच्छा निशाना हो गया और किंग इज वेरी अपसेट. अब मोई ये देखती है, मोई फील्स दैट ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा. बट देन मोई थॉट टुडे वॉज नॉट दैट डे. शी वेंट टू द किंग एंड सेड दैट प्लीज कम डाउन, यू नो वॉट, I have got a special surprise for you, which I'm going to unveil to you tomorrow morning. अब next morning, लोकनाथ जो बहुत excitedly court में आते हैं, सारे courtiers भी वहाँ हैं, सबके सामने मोई आती है. मोई के पास वैसे क्या सरप्राइज है, एंड शी टेल्स दैट आई हैव गॉट अ पेंटिंग, अ पोर्ट्रेट ऑफ द किंग स्पेशली मेड, तो आई एम गोइंग टू शो दैट पेंटिंग टू यू. Now the king is very eager to see his portrait, but then queen says that क्यों ना ऐसा करा जाए कि आपके courtiers ये painting आपसे पहले देखे और ये describe करे कि painting में आप कैसे लग रहे हैं और फिर आप painting देखे, तो won't that be nice? अब king को पता है कि लोग जब describe करेंगे they will praise him and he likes to hear his praises a lot. आपकी पॉलिसी कितनी अच्छी है, आपने कितना अच्छा डिसीजन लिया, आपके सारे प्लान कितने अच्छे होते हैं. तो किंग सेज ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट आइडिया, मेरी पेंटिंग है एंड आई मस्ट बी लुकिंग गुड, आई मस्ट बी लुकिंग हैंडसम, ऑल माय कोर्टियर्स प्लीज सी माय पेंटिंग एंड से हाउ इट इज लुकिंग एंड देन आई एम गोइंग टू सी द पेंटिंग. अब राजा जो है वो पेंटिंग के पीछे बैठ जाते हैं, पेंटिंग के पास खड़ी है रानी और उसके सामने बैठते हैं सारे कोर्टियर्स. और अब धीरे धीरे ड्रामेटिकली पेंटिंग इज अनवेल्ड. कोर्टियर्स उस पेंटिंग को देखते हैं. क्वीन सेज, अरे आप लोग चुप क्यों हो, बताओ राजा को कि कितनी बेहतरीन पेंटिंग है. तो राजा बोलते हैं, नाउ आई एम वेटिंग टू हियर, जस्ट टेल मी, व्हाट, टेल मी हाउ इज माय पेंटिंग. तो फिर एक के बाद एक कोर्टियर्स कहना शुरू करते हैं. Everybody is going gaga over how handsome, how divine, how smart, how charismatic the king is looking. When king hears this, he becomes very happy. और बताओ, और बताओ. वाह वाह राजा जी, आप क्या handsome लग रहे हैं. यार, आपके hair style, of course, of course. और बताओ, और बताओ. आपकी smile, it's divine. आपकी आँखों में जो चमक है, yes. सारे कोर्टियर्स ने अपने ओपिनियन दे दिए, अपनी फ्लैटरी कर दी है. तो क्वीन बोलती है कि आपको खुद पेंटिंग देखनी है कि नहीं किंग. लोकनाथ इज प्रीटी एक्साइटेड टू सी हिज पेंटिंग, ही इज लाइक शो मी द पेंटिंग नाउ. एंड देन क्वीन टर्न्स द पेंटिंग टुवर्ड्स द किंग. किंग पेंटिंग देखते हैं, ही शॉक्ड, क्या है ये, यहाँ पे तो कोई पेंटिंग है ही नहीं, तुम बोल रही थी इसमें मेरा पोर्ट्रेट है, इट्स अ ब्लैंक कैनवास. तो इस पे मोई कहती है कि राजा जी ध्यान से देखिए, इस कैनवास में आपका डर है.
और इसी डर की वजह से बेचारे कोर्टियर्स को जबकि कुछ नहीं दिखा फिर भी आपकी तारीफ करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि आप सुनना चाहते थे कि आप पोर्ट्रेट में कितने हैंडसम लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आपको समझ आया कि मैं आपको अक्सर कहती थी कि आपके डर की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से आपके सोल्जर्स, आपके कोर्टियर्स कभी भी सच्ची बात नहीं रख सकते। दे हैव टू बी द यस मैन। ये बात लोग ना समझ जाते हैं और अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं, और इसके बाद he doesn't want just the yes man, he wants people who would give their opinions genuinely. तो प्लीज आप हमको भी अपना जेन्यून ओपिनियन दीजिए, जो लगता है प्लीज यहाँ पे लिख दीजिए, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।